हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक विजडम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका कोई एजुकेशन चैनल है यूट्यूब पर या फेसबुक पर और आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन चैनल ओपन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, यानी आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, माइक नहीं है, लाइट नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की, यानी एक स्मार्टफोन की और उसके साथ साथ एक इंटरनेट कनेक्शन की। इसके अलावा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से एजुकेशन चैनल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। आप चाहो तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, लाइव क्लासेस शो कर सकते हो, साथ ही साथ आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपलोड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो और अपना एजुकेशन चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये सारी सेटिंग कर पाओगे। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले ज़रूरत होगी एक स्क्रीन रिकॉर्डर की। बहुत से स्मार्टफोन्स के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से ही बिल्ट इन होता है, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको वहां से DU स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने फ़ोन में आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल किया हुआ है। इस तरह आप देख सकते हो आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, इसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डर बन के आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप भी अपने फ़ोन पर स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लीजिए। आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर बढ़िया स्क्रीन रिकॉर्डर है, पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई भी वाटर मार्क वगैरह नहीं आएगा। आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सारा कुछ बढ़िया से रिकॉर्ड हो जाती है इसकी स्क्रीन। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया, जैसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बल्ब टाइप का बन के आ जाता है। ये यहाँ आप देख सकते हो, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो जो हमारी स्क्रीन है वो पूरी रिकॉर्ड होने लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही 3, 2, 1 ये होगा, इसका मतलब जो भी हम स्क्रीन पर करेंगे वो सारा हमारा रिकॉर्ड होने लगेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का काम तो हो गया है। अब इसके बाद हमें ज़रूरत है कि अगर हम यहाँ पर PDF या फिर PPT पर पढ़ाना चाहते हैं या फिर हम यहाँ पर किसी पेपर पर लिख के पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अब हमें ज़रूरत होगी एक दूसरे ऐप की। तो दूसरे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर से जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ड्रॉ ऑन स्क्रीन। यहाँ देख सकते हो आप, ड्रॉ ऑन स्क्रीन का ये सिंबल आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसे कर रखा है अपने फ़ोन में इंस्टॉल, तो ये आप पहचान लीजिए, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो हमारा इस तरह से ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये बोलेगा स्टार्ट, तो हम यहाँ पर इसे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको बहुत सारे सिंबल देखने को मिल रहे हैं, ये सारे टूल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रश का सिंबल आ रहा है, ब्रश पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रश का साइज़ यहाँ से आप छोटा मोटा जैसे भी करना चाहें, पतला करना हो, मोटा करना हो, यहाँ पर जो ब्रश का साइज है। अब आप स्क्रीन पर अगर उंगली से भी कुछ भी यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, स्क्रीन पर कुछ भी लिख के आप समझा सकते हो। अगर हमें इसे इरेज करना है तो यहाँ पर ये इरेज का बटन है, इसे क्लिक कीजिए, ये इरेज हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस तरह से ब्रश हमारा काम कर रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर फ़ोन के अंदर कुछ भी खोलना है, अगर मान लो PDF वगैरह खोलना है, PDF ओपन करना है या PPT ओपन करनी है, तो आप देख रहे हो ये स्क्रीन पर जब हम स्वैप कर रहे हैं, इस तरह से चला रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रश काम कर रहा है। इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक आँख का बटन देख रहे हो, जब ये आँख का बटन ग्रीन है इसका मतलब हमारा ब्रश काम करेगा, हम इस पर लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब अब हम अपने फ़ोन पर कोई भी ऐप या कोई भी काम हमें करना हो हम कर सकते हैं, कोई भी PDF वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी PDF फाइल ओपन हो गई है, PDF हमने यहाँ ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे हमारे टूल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और उसके बाद
ये अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में, हम इसे लैंडस्केप में करना हो तो इस तरह से फ़ोन को रोटेट करेंगे तो ये बड़ा होके आने लगेगा। आप देख सकते हो हमारी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आ गई है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना है, पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, जो आँख का ये बटन है, आँख का बटन मैं बता रहा था, ये अभी रेड हो रखा है, जैसे ही आप इसे ग्रीन करेंगे तो अब हमारा ब्रश काम करने लगेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि बेल्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, अगर हमें स्टूडेंट को समझाना है यहाँ समझा सकते हैं, बच्चों बेल्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, तो हमें यहाँ मार्क करके इस तरह से बता सकते हैं कि एडम स्मिथ हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर उंगली से लिख सकते हो। और ये जो ब्रश है यानी जो पेन है, इसका साइज हमें पतला करना हो तो पतला कर सकते हैं, और पतला करने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्रश है ब्रश पर क्लिक करना है और यहाँ से हम ब्रश का साइज पतला मोटा कर सकते हैं। इसको हम कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब आप देखोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब आप चला के देखोगे तो ये पतला लिखेगा। और यहाँ से आपको अगर इसका कलर चेंज करना है, जो पेन है उसका कलर चेंज करना है, तो कलर का सिंबल यहाँ आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और कोई भी कलर, जैसे मैं रेड ले लेता हूँ तो ये रेड से आप यहाँ लिख सकते हो, अभी रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेन का यूज कर सकते हो। अब जिस समय आप पढ़ा रहे हो आप चाहते हो कि ये जो सिंबल्स हैं ये दिखाई ना दें, तो इन्हें हाइड करने के लिए ऊपर आपको एरो दिख रहा है, इस एरो क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये ऊपर हो गया, हाइड हो गया। आपको फिर से चाहिए तो फिर से इसे प्रेस कीजिए, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर जो कुछ भी कर रहे होंगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट, जैसे अब इसको हमें ऊपर नीचे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, या पेज को पलटना है, साइड में करना है, तो उसके लिए जो आँख का बटन है इसको फिर से रेड कर दीजिए तो ये नीचे आप आगे नीचे जा सकते हैं, नीचे दूसरी आपको ओपन करना है कोई भी पेपर वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप ब्लैंक पेपर भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने पीडीएफ है, पीडीएफ में आपने केवल ब्लैंक पेपर लगा दिया और उसके बाद आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ब्रश है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कुछ भी आप समझा सकते हो। और थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर पीडीएफ हो या फिर पीपीटी हो या फिर आप ब्लैंक पेपर पर भी लिखकर कुछ भी समझा सकते हो। यहाँ पर आप मार्क वगैरह इस तरह से कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको किसी स्टाइलस या फिर पेन टैबलेट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उंगली से आप यहाँ पर लिख लिख के समझा सकते हो। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी आदत में आ जाएगा, आराम से आप यहाँ पर लिख पाओगे। उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर आप इसे YouTube पर अपलोड कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप इसे लाइव भी कर पाओ, तो लाइव करने के लिए आपकी जो ये पूरी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन आराम से YouTube पर लाइव हो जाएगी। लाइव करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ये वीडियो आप पूरी देख लेना तो आप बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीम भी इसकी कर पाओगे और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, आपको स्ट्रीम लैब ओवीएस इंस्टॉल करना है और उसके बाद इस तरह से सारी सेटिंग कर लेनी है। आपको जो मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ उसको देख लेना, उसके अंदर इसकी सारी सेटिंग दी गई है। तो हम इसे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के लिए यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट इवेंट करके आएगा, क्रिएट इवेंट पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी जो भी हम लिखेंगे, हेलो कर रहे हैं, हेलो कर देते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिखोगे वो आपके स्टूडेंट को दिखाई देगा और यहाँ पर आपकी इस जगह पे आपकी इमेज आती रहेगी, आपका फ़ोटो भी यहाँ पर आता रहेगा और इस साइड आप आराम से यहाँ पर इसको पढ़ा सकते हो। कुछ भी जो लिखोगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप डिलीट कर दीजिए। जो स्क्रीन पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आपका लाइव भी चल रहा है, जो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं वो लाइव भी हो रहा है। मैं आपको इसकी लाइव स्ट्रीम भी दिखाऊंगा कि लाइव में क्या आ रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब दिख जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो इस समय हमारी लाइव स्ट्रीम भी हो रही है और आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सारा कुछ यहाँ शो हो रहा है, सारा कुछ आप यहाँ पर समझा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से फोटो भी आती रहेगी और आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को समझा सकते हो, स्टूडेंट को समझा सकते हो और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी खर्चे के, केवल आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए
और इसके अलावा फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और इंटरनेट कनेक्शन तो आप जानते ही हो, जियो का जो प्लान होता है उसमें हमें 2GB 3GB के बहुत ही आसानी से प्लान मिल जाते हैं, तो आप उसी से बहुत ही आसानी से एजुकेशन चैनल चला सकते हो, स्टूडेंट की क्लासेस ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।